मेरा नाम रामचंद्र है गांव तिघा ज़िला जुवंधनगा रहने वाला हूँ मेरे हाथ पैरों में जन सी रहने लगी चार पाँच साल पहले जो दया पर है बिल्कुल ही एकदम बहुत भारी पर रहने लगा हाथ में कोई चीज़ वस्तु पकड़ूँ तो वो जैसे गिलास पकड़ते हैं चाय का वो छूटने लगा फिर मैं किसी से पूछा मेरे साथियों से यार इस प्रकार की समस्या है तो अपने परिवार में बताया कि आप ऐसा करो जबपुर में जाओ जबपुर के अंदर एक बढ़िया डॉक्टर है केके बंसल से चेक करवाओ और हमने भी उससे इलाज करवाया है बढ़िया डॉक्टर है तो मैं इस प्रकार से फिर मैं पूछता रहा हमारा मेरा लड़का भी जबपुर ही रहता उसने भी बताया डॉक्टर केके बंसल से अपने को ऑपरेशन करवाना है कमर में दर्द, दर्द, दर्द भयंकर रहने लगा तो फिर क्या यहाँ जयपुर आए जब ये हमारे पास आए तो इनके गर्दन में दर्द के साथ में हाथ पैरों में झंझार थी पैरों से इनके चला नहीं जा रहा था पैरों में अकड़न थी और बिना सपोर्ट के चल नहीं पा रहे थे इनको एक आदमी की सहारे की ज़रूरत थी इनके कमर में भी दर्द था पैरों में दर्द था झंझनार थी और ये पेशाब और टट्टी के लिए या अपने मतलब खट नित्य कर्मों के लिए भी इनको किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ रही थी अपने हाथों से अपने शर्ट के बटन नहीं बंद कर पा रहे थे अपने पजामे का नाला नहीं बांध पा रहे थे तो हमने जब जांच की तो इनके गर्दन में नस दबी हुई थी जिनकी वजह से खून का संचार नहीं हो रहा था और पूरे गर्दन से नीचे के चारों हाथ पैरों में नस की दबाव की वजह से बहुत कमज़ोरी थी तो एम के बाद में हमने ऑपरेशन किया इनका दूरबीन पद्धति से और इनके ऑपरेशन के बाद में आज ये दो महीने बाद हमारे पास आए हैं तो आज ये अपने आप चलते फिरते आए हैं स्पाइन न्यूरो की जो समस्या है बढ़िया डॉक्टर से इलाज करवाओ बढ़िया डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए इसकी समस्या जो भी है गर्दन में है पैरों में है वो समस्या हल हो सकती है और नारायण हॉस्पिटल है बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, है इसमें बढ़िया डॉक्टरों की टीम है और भी अच्छा स्टाफ है